नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। कूड़ा डालने को लेकर मामूली विवाद पर दो पक्षों में चले लाठी डंडे व चाकू, इसी बीच हुई फायरिंग में 5 लोग हुए घायल। घर के बाहर कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडा व चाकू के बाद दोनों पक्षों ने फायरिंग कर दी। छर्रे लगने से युवक समेत झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। कन्नौज क्षेत्र के कुसुमखोर के गंगा रोड 13 रागी ग्राम निवासी इलियास के घर के बाहर पड़ोसी मुन्ने ने कूड़ा डाल दिया। इलियास ने विरोध किया तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में लाठी डंडे व चाकू चलने लगे। इसी बीच फायरिंग हो गई। इसमें ग्राम में हड़कंप मच गया। छर्रे लगने से फैजान घायल हो गया। वहीं मारपीट में मुन्ने सूफियान और दूसरे पक्ष में जावेद सलाउद्दीन घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। दोनों पक्ष ने सदर कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक ने बताया कि दोनों पक्ष से तहरीर मिली है, जांच की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सलाउद्दीन खान। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा हम लोग बैठे थे चक्की में, हमें मेरी चक्की लगी नीचे, वहाँ बैठे थे। ऊपर मुन्ने और मुन्ने के लड़के जलालुद्दीन, उनके लड़के, इन लोगों ने आए और गाली गलौज करने लगे। चक्की में घुस के हमारे भाई को और सफरुद्दीन को बहुत मारा। फड़वे और मुन्ने के पास बंदूक थी, इन लोगों ने फायर किया कट्टन से और उन्होंने हर डंडे से फेंटन से हरा से हमारे भाई को और सफरुद्दीन को बहुत मारा। अंदर इसकी तफ्तीश की लीजिए। अब ये बहुत बड़े बदमाश हैं ये लोग। इनका हाशिम एक भाई है, वो 308 में 2 महीने से जेल में है। ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। लड़ाई किस बात से लगी? लड़ाई कोई बात थोड़ी हुई। ये लोग कचरा डाल ले तो उसने कहा कचरा ना डाल, त्यौहार का दिन है, तो इतने में ये चक्की में घुस के उसको मारने लगे हमारे भाई। कचरा डालने से मना करने पे मारने लगे। ये दमंगर लोग हैं। ये लोग कहते हैं कचरा हम डालेंगे, तुम्हें जो भी करना हो करो। चार लोग थे। घायल कितने लोग हुए? 2 लोग हमारी तरफ घायल, बहुत बुरी तरह से मारा इन लोगों ने। तहरीर दे दी सर। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।